हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12 का अगला लेक्चर जिसमें आव्यूह का परिवर्त आपको सीखना है। आव्यूह का परिवर्त इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो आव्यूह का परिवर्त क्या होता है और कैसे लिखते हैं इसके बारे में देखेंगे। जैसे माना कि कैपिटल ए इक्वल टू, हमारे पास कोई आव्यूह है A1, A2, A3, यहाँ B1, B2 और B3, यहाँ C1, C2, C3। तो हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो हम इसे डैश से डिनोट करते हैं। तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, तो जो भी ये स्तंभ में दिया गया है उसको हम पंक्ति में लिख देते हैं। मैंने यहाँ A1, यहाँ A2, यहाँ A3, यहाँ B1, यहाँ B2, यहाँ B3, यहाँ C1, यहाँ C2 और यहाँ C3। तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि हम आव्यूह का परिवर्त कैसे लिखते हैं। यदि कोई आव्यूह दिया हुआ है तो उसका हम ट्रांसपोज कैसे निकाल, तो उसका ट्रांसपोज ए डैश से प्रदर्शित करते हैं और ए डैश हम इक्वल टू इतना लिखते हैं। अब इसके कुछ गुणधर्म के बारे में देख लेते हैं। गुणधर्म में लिखा हुआ है कि ए डैश का यदि हम डैश, मतलब यदि कोई हम परिवर्त आव्यूह निकालते हैं और उसका एक बार और परिवर्त कर देते हैं तो पुनः प्रारंभिक आव्यूह के रूप में आ जाता है। फिर दूसरा ये दिखाया गया है कि के है, तो के एक अचर राशि है, तो के क्या हो जाता है, बार हो जाता है। और तीसरा है कि ए प्लस बी का डैश, मतलब यदि हम एक बार दो आव्यूहों को जोड़ दें और उसका परिवर्त निकालें, दोनों के अलग अलग आव्यूहों के परिवर्त के सम के बराबर होता है। यहाँ भी गुणा वाला भी वही रूल है, लेकिन फ़र्क इतना है कि ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश का ए हो जाता है, ए डैश हो जाता है। मतलब क्या, ये नॉट इक्वल टू ए डैश बी डैश होता है, ये पलट जाता है, तो इस बात को ध्यान देंगे। नेक्स्ट है हेडिंग सममित आव्यूह। सममित आव्यूह क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसका परिवर्त आव्यूह उसके प्रारंभिक आव्यूह के बराबर होता है उसे हम सममित आव्यूह कहते हैं, मतलब ए डैश बराबर ए हो जाए। ठीक है, तो ए बराबर इतना दिया हुआ है तो हम ए डैश निकाल लेते हैं। तो बहुत आसानी से निकालेंगे, देखिए जो भी यहाँ पे स्तंभ में दिया हुआ है उसको हम पंक्ति में लिख देंगे, √3 2 3, फिर इसको लिखिए −2 −1.5, फिर उसके बाद से −1, फिर इस ये लास्ट वाला स्तंभ लिख रहे हैं ना, तो √3 2 3 2 −1.5 और −1 हो गया 3 − 1 और 1। अब ये दोनों आव्यूह आप देखें तो दोनों आव्यूह एकदम बिल्कुल सेम है, मतलब इसे हम पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदलने से आव्यूह में कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, सममित आव्यूह। उसी तरीके से विषम सममित आव्यूह दिया हुआ है, यहाँ पे ए बराबर इतना दिया है, तो विषम सममित आव्यूह क्या होता है, यदि ए डैश माइनस ए के बराबर आ जाए तो विषम सममित होता है। तो हम ए डैश यहाँ पे निकाल के देखते हैं कि क्या आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ स्तंभ है, स्तंभ को लिख दीजिए 0 − E − F, E 0 − G F G और 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि हम माइनस कामन कर लें, माइनस यहाँ पे यदि हम कामन कर लेते हैं तो माइनस कामन करने पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए माइनस मैं कामन कर लेते हैं, अब थोड़ा छोटा सा जगह है यहाँ पे लिखते हैं, माइनस कामन कर लीजिए, यहाँ 0 − E − F होगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा 0, यहाँ −G हो जाएगा, यहाँ भी ये प्लस में बदल जाएगा, यहाँ भी प्लस में बदल जाएगा 0। तो आप देख सकते हो कि ये जो आव्यूह है और ये आव्यूह है, ये दोनों आव्यूह, ये जो शुरुआत वाला आव्यूह है और ये आव्यूह है, दोनों सेम आव्यूह है। फर्क क्या है, आगे माइनस लग गया, मतलब ए डैश किसके बराबर हो गया, −A के बराबर, क्या −A के। तो ए डैश −A के बराबर हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, विषम सममित आव्यूह। अब दोनों के बीच में संबंध है, नोट यहाँ पर हम लिखे हैं कि कैपिटल ए किस तरीके से आएगा, यदि a प्लस a डैश और a माइनस a डैश का बटा दो यदि हम कर दें तो पुनः
ए के रूप में बदल जाता है। आप देख भी सकते हैं, 1/2 मान लीजिए कॉमन, तो ए डैश खत्म हो गया, तो ए और ए मिला के 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, तो ए बराबर हुई हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि सममित और विषम सममित अवयव के रूप में लिखिए, तब हम जाके इसको लिखते हैं। इससे रिलेटेड हम प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिसमें प्रश्नावली है आपका 3.3। 3.3 का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का पहला ए दिया हुआ है, ए डैश आपको लिखना है, तो बहुत ही ईजी है ये। तो एक स्तंभ दिया है, इसे हम पंक्ति में चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 1/2 -1। जो स्तंभ में है वो पंक्ति में हो गया, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। इसमें दिया है ए और बी, दो अवयव दिया है, ए प्लस बी का डैश निकालना है और ए डैश बी डैश, मतलब ए डैश पहले निकाल लेते हैं, फिर बी डैश निकाल लेते हैं, फिर ए प्लस बी निकाल देते हैं, फिर उसका डैश निकालेंगे। तो हम पहले ए डैश निकालेंगे, स्तंभ को पंक्ति में लिखिए, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, ये हो गया ए डैश। इसी तरीके से बी डैश निकाल लेंगे, -4 1 और 1 1 2 3 -5 0 और 1। तो हम यहाँ पे ए डैश भी निकाल लिए और बी डैश भी निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है, ए प्लस बी, चाहे हम इसको जोड़ेंगे चाहे छोड़िए, अभी पहले हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी आसानी से निकाल लेंगे, हाँ ए प्लस बी में क्या है, जोड़ दीजिए सीधा सीधा, यहाँ पे -1 -4 कितना हो जाएगा, -5 होगा, 2 और 1 मिला के हो जाएगा 3, 3 और -5 मिलाएंगे तो -2, 5 और 1 मिलाएंगे तो 6, 7 और 2 मिलाएंगे तो 9, 9 0 मिलाएंगे तो यहाँ भी 9, -2 1 मिलाएंगे तो -1, 1 और 3 मिलाएंगे तो 4, 1 और 1 मिलाएंगे तो 2। ठीक है, इसका डैश हमें निकालना है, तो अब LHS ले लेंगे, ए प्लस बी का डैश, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दीजिए, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 और 2। ठीक है, तो ये हो गया LHS। अब RHS हम निकाल लेंगे, RHS ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश बी डैश, आसानी से इसको जोड़ देंगे, ए डैश मालूम है ही आपको क्या है, बी डैश मालूम है ही है, -1 -4 मिलाएंगे तो -5 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, -2 और -1 मिलाएंगे तो -1 2 और 1 को मिलाएंगे तो हो गया 3, 7 और 2 को मिलाएंगे तो 9, 1 और 3 को मिलाएंगे तो 4, और 3 और 5 को मिलाएंगे तो -2, 9 का 9 हो गया और 1 का यहाँ पे 1 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। अब आप देख सकते हो कि ये दोनों अवयव सेम अवयव हैं, है ना, तो LHS और RHS यहाँ पे, इसलिए LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, प्रूफ हो गया। अब इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, जो भी क्वेश्चन होगा आगे का उसमें से एक दो क्वेश्चन और बताएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।